देखिए लग रहे हैं ना डक्स छोटे छोटे। ये है सैलेड, बहुत ही टेस्टी और यमी, और इसे आप यूज कर सकते हैं एज ए सैंडविच मेकर ऑल्सो। तो चलिए बनाते हैं हम इसे। इसमें से जो सबसे पहले वाला है वो ओनली पोटैटो का है, देख रहे हैं ना, बाकी हम आज सीख लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए काली मिर्च साबुत, मस्टर्ड पाउडर जो हमें पीसनी है, और पीसी हुई काली मिर्च, नमक, नींबू का रस, मेयोनेज, पनीर, गाजर जो हमने ग्रेट किए हैं, पत्ता गोभी ग्रेटेड है, और आलू ग्रेटेड है, और चाहिएगा हमें पत्ता गोभी बहुत ही माइन्यूटली कटे हुए, और गाजर भी बहुत माइन्यूटली कटे हुए, और प्रोसेस चीज़ का एक स्लाइस, और चाहिए हमें कैरेट का ही टुकड़ा। ये देखिए अब हम पनीर ले लेते हैं एक बाउल में, और इसे अच्छे से मैश करना है। हमें इसे बाइंडिंग, जैसे रोटी बनाते हैं वैसे गूंथना है इसे, मतलब बहुत अच्छे से इसे बाइंडिंग तक इसे हमें मैश करना है। और इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा सॉल्ट, और जाएगा इसमें या तो मलाई या क्रीम या मेयोनेज, सिर्फ बाइंडिंग के लिए, ताकि ये बाइंड हो जाए एक दूसरे से। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी मेयोनेज ली है, और अब हम इसे, ये देखिए हमने इसे एकदम अच्छे से मैश कर लिया है। एक्चुअल में हमें इसके बनाने एग लाइक राउंड्स, तो इसको अब हम 15 से 20 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दें। पनीर फ्रीज में गया है 15-20 मिनट के लिए। हम ऐसा करते हैं कि तब तक हमारी एक और फिलिंग बना लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिएगा चीज़ ग्रेटेड जो कि मैंने इसमें दे रखे हैं, और चाहिएगा कैरेट वो भी ग्रेटेड फॉर्म में, ग्रेटेड से भी माइन्यूट किया हुआ, दो बार ग्रेट समझ लीजिए, और कैबेज को भी हमने दो बार ग्रेट कर लिया है, और जाएगा इसमें पोटैटो वो भी ग्रेटेड है, और जाएगा जो हमारा पनीर था जो बचा हुआ थोड़ा पनीर है वो, और इसमें थोड़ी सी जाएगी शुगर, थोड़ा सा जाएगा सॉल्ट, थोड़ा सा जाएगा वाइट पेपर, जलेगा वैसे तो अभी मैंने ब्लैक पेपर डाला है, और मस्टर्ड पाउडर जाएगा थोड़ा सा, और बाइंडिंग के लिए हमें इसमें डालना है मेयोनेज या मलाई या क्रीम एज ए विश। इसे हमें हाथ से अच्छे से मैश करना, और जाएगा थोड़ा सा नींबू का रस। इसे हम एज अ सैंडविच स्प्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, इस मिक्सचर को बहुत ही यमी लगता है। इसे हमें एकदम बाइंडिंग फॉर्म तक ले जाना है, जैसे कि एकदम बाइंड हो जाए आपस में, शेप बन जाए। इसे हमें 15 से 20 मिनट फ्रिज में रख देना है। ये देखिए हम इसका सैलेड बना लेते हैं जो हमने बेस बनाना है। दोनों कैबेज और कैरेट को हमने मिक्स कर दिए जो हमने ग्रेट किए थे। इसमें हमें थोड़ा सा शुगर डाल देना है, और थोड़ा सा जाएगा नमक, थोड़ी जाएगी काली मिर्च, वाइट पेपर भी डाल सकते हैं, वो ज़्यादा प्रेफरेबल है, और जाएगा थोड़ा सा नींबू का रस। इसे हमें मिक्स कर लेना है, ये हमारा बेस सैलेड का बेस बन गया। ये जो हमने पनीर मैश किया था और जो इससे हमने फ्रीजर में 15 से 20 मिनट ठंडा होने के लिए रखा था वो इस बाइंडिंग फॉर्म में आ गया है, और अब हमें इसे बनाना है एग लाइक स्ट्रक्चर का। पहले लेके आप राउंड राउंड बॉल्स बना लीजिए, इसे आप राउंड बना के फिर थोड़ा सा ओवल कर दीजिए इस तरह से, जैसा कि एग होता है। ये एग लाइक फॉर्म में आ गया है, और इसे हम अगेन फ्रीजर में 5 मिनट के लिए सेट होने के लिए रखते हैं। निकाल लिए हैं, नहीं 5 मिनट हो गए हैं, अब हमें इसे हाफ करना है इस तरह से। ये जो आपका कुछ ऐसे हो जाए तो आप इसे वापस से ठीक से कर सकते हैं। अब इसमें हमें हॉलो बनाना है, तो हमें इसे इतना टाइटली पकड़ना होगा कि ये टूटे ना, इस तरह से नाइफ की मदद से हमें इसे हॉलो बनाना है। और फिर इसे वापस अपने हाथ से वापस से अच्छी शेप, इस तरह से चीज़ें, इसमें एग लाइक शेप आ गया है, ये हमारा तैयार है एग की तरह का शेप का। ऐसे हमें और भी अपने बना लेना है। देखिए हमने इस तरह से नाइफ को डाला है इसमें, इस तरह से हमने इसके अंदर से हॉलो बना लिया, और भी अगर स्कूप आउट करना है तो हम इस तरह से और स्कूप आउट कर सकते हैं, और अब हम इसे हैंड से फिनिशिंग करेंगे।
से प्लेन कर देंगे ऊपर से और साइड से फॉलो करना है इस तरह से। और अब हमें इसे इस डो को भी हाथ में लेना है, इसे हम एज ए सैंडविच ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। इसका राउंड बॉल बनाना है हमें, एक्चुअल में इस एग के हाफ राउंड में इसे सेट करना है। तो हम हमारे इसे हम इतना ही लॉन्ग कर देंगे जितना कि ये सेट हो रहा है। ये देखिए ये इसमें सेट हो रहा है ना, तो हमें इसके अंदर इसे सेट करना है। इस तरह से सेट हो गया। अब हमें इसका ये फेस निकालना है और ये इसकी बॉडी हो गई। एक्चुअल में ये डक है, ये हमें ये वाला इसे शेप देना है। और इस पे हम स्टिक करेंगे दो ब्लैक पेपर। इसकी आईज़ के लिए हम एक यहाँ पे ब्लैक पेपर लगा देंगे और एक यहाँ पे ब्लैक पेपर लगा देंगे। इसके हम थोड़ी सी विंग भी बाहर को निकाल देंगे। और उसका अब हम एक राउंड हिस्सा निकाल, हम करेंगे हाफ इस तरह से और इसके बीच में भी हाफ। तो ये टुकड़ा हमें मिल जाएगा, ये हम ये बन जाएगा इसका विंग्स। और एक टुकड़ा हमें इतना छोटा सा ट्रायंगल बीक्स के लिए चाहिए, इसका बीक बनाने के लिए। ये बन गई इसकी बीक। हमारे जो ये सैलेड था वो हमने अलग कर लिया है और हमारे बर्ड्स हमने अलग कर लिए हैं। अब इसके अंदर हम इसे एज अ नेस्ट यहाँ पे बिछा देंगे। ये सैलेड हमारा, ये हमारा सैलेड है, ओवल शेप में मैंने इसे बिछा दिया। इसमें मैंने कोरिएंडर लीव्स भी डाल दिए और ग्रीन पे ये। और यहाँ पे हम जगह बना लेंगे, जैसे हमने चार बिठाने हैं यहाँ पे हमने जगह बनाना है। अब हमारा एक यहाँ चला जाएगा, एक यहाँ चला जाएगा, एक यहाँ चला जाएगा और एक यहाँ चला जाएगा। इस तरह से ये हमारी सारी डक्स अरेंज हो गई।